Hi and welcome everyone to the Big Bench Daily. वैसे एक नेट हम मैदान में देखते हैं, खेल के मैदान में, और दूसरा होता है डार्क नेट, जिसका काला साया आजकल भारत के ऊपर काफी मंडराने लगा है। डार्क नेट इंटरनेट की दुनिया के किसी कोने में छुपा हुआ वो आइलैंड है जहां तमाम तरह के क्राइम्स को अंजाम दिया जाता है और क्रिमिनल्स ना बड़ी आसानी से कानून को ठेंगा दिखा सकते हैं। उनके पकड़े जाने की पॉसिबिलिटी भी काफी कम होती है। लेकिन आप जानते हो क्या, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के जाबाज ऑफिसर्स ने वो कारनामा कर दिखाया है जो एक तरह से इम्पॉसिबल ही कहा जा सकता था। पर वो कहते हैं ना, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। यस, दैट्स द थिंग। एक पैन इंडिया ऑपरेशन में ब्यूरो ने एलएसडी के 15,000 ब्लॉट्स अपने शिकंजे में ले लिए हैं और ये पिछले दो डेकेड्स यानी पिछले 20 सालों की सबसे बड़ी कामयाबी है जब इतनी बड़ी तादाद में ड्रग्स पकड़ने में ब्यूरो को सक्सेस मिला हो। आई मीन वाओ, दैट्स ग्रेट नो। इस मामले में ब्यूरो ने 6 लोगों को अरेस्ट भी किया है और ऐसा कहा गया कि सब के सब टेक्स सेवी हैं और प्राइवेट मैसेजिंग एप्स के जरिए और हिडन वेबसाइट्स की मदद से ये अपने ड्रग्स के बिजनेस को अंजाम दे रहे थे। इस कार्टल के मास्टरमाइंड को जयपुर से अरेस्ट किया गया है। वैसे ब्यूरो ने अपनी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन से ना इस बात की जानकारी तो हासिल की है कि ये सारे डार्क नेट पर अपने काम को एडवर्टाइज करते थे और इंस्टाग्राम पर पोटेंशियल बायर्स को पिक किया करते थे। उफ, ये सोशल मीडिया। इस गैंग का ड्रग्स बेचने का तरीका कई मायनों में यूनिक था। वेल, इंस्टाग्राम पर पोटेंशियल बायर्स को पिक करने के बाद जानते हैं क्या, ये उनसे पूछते थे कि क्या उनको ड्रग्स की जरूरत है और जब उनका जवाब यस में मिलता था यानी कि वो हाँ कर देते थे तब उसके बाद की बातचीत होती थी प्राइवेट मैसेजिंग ऐप विकरमी के जरिए और उसके बाद पेमेंट कहाँ से होती थी, क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मेट में और ड्रग्स को पोलैंड और हॉलैंड से इंपोर्ट किया जाता था। अब गुड न्यूज ये है कि एनसीबी ने डार्कनेट के अंदर घुस करके कामयाबी हासिल कर ली है और ये सक्सेस हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि डार्कनेट पर क्राइम को काबू करना अपने आप में नामुमकिन माना जाता है। पर आप जानते हो क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप जल्दी से उस बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए क्या, द बिग बेंच डेली।